डायरेक्ट सेलिंग के इंटरनेशनल डाटा ये कहते हैं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ते हैं उनमें से 90% लोग पहले साल में ही बिजनेस को छोड़ देते हैं, यानी केवल मात्र 10% लोग हैं जो अपना रिन्यूअल करवाते हैं, अगले साल में प्रवेश करते हैं। ये 10% लोग जो अगले साल में प्रवेश करेंगे, जो आपके साथ में लंबे समय तक काम करेंगे, ये कौन लोग होंगे? अगर उसका पहले से मालूम चल जाए तो आपकी बहुत सारी एनर्जी बच सकती है। और इसी का पता लगाने के लिए सिस्टम ईजाद किया जाता है, ताकि आप सिस्टम में लोगों को लेके आए और मालूम चलेगा कि जो लोग सिस्टम में आ गए वो लंबे समय तक काम करेंगे, वो अगले साल भी काम करेंगे और उससे अगले साल भी काम करेंगे, और जो लोग सिस्टम में नहीं आ पाएंगे वो बहुत जल्दी आपका साथ छोड़ के जाने वाले हैं। और इसीलिए 3 तरह के मुख्य सिस्टम हम लोगों ने ईजाद किए हैं, जिसमें पहला सिस्टम है जिसे हम कहते हैं 6 बेसिक। 6 बेसिक इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपनी टीम बना पाएं, नेटवर्क बना पाएं। अगर आप 6 बेसिक पे काम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। 2 लोग जुड़ेंगे, 10 लोग जुड़ेंगे, 20, 200, 500, 1000, 2000, 20000, 1 लाख, 2 लाख, बहुत लंबी टीम आपकी बनेगी। लेकिन तभी बनेगी जब तक 6 बेसिक पे फॉलो किया जाएगा, 6 बेसिक का पालन किया जाएगा। अब टीम बन गई है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, अब उनमें से ये सिलेक्ट करना कि कौन लोग काम करेंगे, कौन लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि अध्ययन ये भी बताता है कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे उनमें से 4 कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग होंगे जो केवल मात्र किसी को खुश करने के लिए बिजनेस ज्वाइन करेंगे। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होगी जो केवल मात्र प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आएंगे, उनको नेटवर्क की भाषा समझ में नहीं आएगी, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और वो कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे, आपको भ्रमित करके रखेंगे, आप उनसे उम्मीद करेंगे कि ये बड़ा काम करने वाले हैं लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। और चौथी कैटेगरी उनकी होती है जो एक बड़े विज़न के साथ में, समझ के साथ में, सिस्टम को एडोप्ट करके काम करेंगे, वो लोग आपके रियल डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं। सो ये कैटेगराइज कैसे किया जाए, उसके लिए एक सिस्टम हमारे यहाँ पर ईजाद किया गया है और उस सिस्टम का नाम है 8 Core Steps, यानी 8 ऐसे बुनियादी कदम हैं जिनका पालन अगर कोई व्यक्ति करेगा फिर ये श्योरिटी है वो लंबे समय तक काम करेगा, और वो लंबे समय तक काम करेगा तो वो सीखेगा, और सीखेगा तो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। 8 Core Step का पहला स्टेप है अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। दूसरा स्टेप है हर रोज कम से कम 5 प्लान दिखाइए। तीसरा स्टेप है 5000 बिजनेस वॉल्यूम से अधिक की हर महीने रिटेलिंग कीजिए। और चौथा स्टेप जिसके बारे में आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे वो है ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए और 30 मिनट प्रतिदिन बताई गई किताबें पढ़िए। ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, ये क्यों जरूरी है? अगर हम लोग हमारे इतिहास में जाएं और प्राचीन समय में जाएं तो हम पाएंगे कि उस समय लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, स्कूल की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती थी, केवल मात्र कुछ ही लोग, अच्छे घरों के लोग ही गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते थे। उस समय सीखने का जो जरिया था वो था प्रवचन, कथा, उनके माध्यम से कोई गुरुजी आते थे, वो प्रवचन देते थे, वो कथा सुनाते थे, गांव के लोग इकट्ठे होकर उनके सुनते थे, वो सीखने का एक माध्यम था। जैसे पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो फिर धर्म ग्रंथ हमने खरीदे, रामायण खरीदी, महाभारत खरीदी, गीता खरीदा, कुरान खरीदा, बाइबल खरीदा, उनको हमने पढ़ के सीखना शुरू किया और फिर बिजनेस की किताबें पढ़ के स्टार्ट हम आगे बढ़े। लेकिन पिछले 20-25 सालों में बड़ी तेज़ी से बदलाव आया और वो बदलाव आया, डिजिटल युग आ गया है। ये जो डिजिटल युग है, इस युग में पढ़ना थोड़ा आलस का विषय बन गया है, पढ़ने से ज़्यादा इजी है सुनना और देखना।
तो इसीलिए बड़ी तेज़ी के साथ में लोग शिफ्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया से लोग कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं, सॉरी सोशल मीडिया से लोग सीखना चाहते हैं। और सोशल मीडिया के वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ज़्यादा प्लेटफॉर्म सीखने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है फेसबुक, और उससे कहीं ज़्यादा शायद यूट्यूब। जब भी आप सोशल मीडिया पे जाएं तो एक चीज़ समझिएगा, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करें या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, यह आपने तय करना है। ज़्यादातर लोगों का सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है और आपने सर्च किया हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम, एक वीडियो आपके सामने निकल के आएगा, और जैसे ही आपको वीडियो देखना स्टार्ट किया, थोड़ी देर में आपका ध्यान साइट में जो एक वीडियोज़ की एक लिस्ट दिखती है उस लिस्ट पे जाएगा, और उसमें अगर आपको कोई अच्छा सा टाइटल दिखा उस सब्जेक्ट से ही संबंधित, सिर्फ टाइटल को देख के, सिर्फ थंबनेल को देख के आप उसको बीच में छोड़ के वहाँ पे चले जाएंगे और उसको देखना स्टार्ट करेंगे। फिर कोई तीसरा वीडियो आपको अट्रैक्ट करेगा, वो शायद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, शायद वो कोई इंटरटेनमेंट का कोई वीडियो है या कोई ऐसी पर्सनैलिटी का फोटो है जो आपको अट्रैक्ट करती है, तो आप उस पर चले जाएंगे, और फिर वो वीडियो आपको चौथी जगह लेके जाएगा और पांचवी जगह चला जाएगा, और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपने ये यूट्यूब किस लिए खोला था। और आपको 15-20 मिनट के लिए ही यूट्यूब देखना था, लेकिन मालूम चला कि आपने 3 घंटे वहाँ पर लगा दिए। तो इस तरह आपने सोशल मीडिया यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया है, अपितु आपने आपका यूट्यूब ने इस्तेमाल कर लिया है, आपके उस 3 घंटों का इस्तेमाल कर लिया है, और उस 3 घंटों में यूट्यूब ने आपको बहुत सारी ऐड दिखा दी है जाने अनजाने में, और उससे यूट्यूब का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और दूसरे लोगों को आपसे फ़ायदा हुआ है। आपके पास दूसरा विकल्प भी है, अगर आप थोड़े बुद्धिमान हैं तो आप एक दूसरा विकल्प चुन सकते हैं, और वो विकल्प है कि आप सोशल मीडिया का, यूट्यूब का और फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, आप चाहें तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, जिस प्रकार से वो आपका और ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आपने इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया का प्रॉपर वे में, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं मेज़र, उन पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। पहला पॉइंट है सेलेक्ट योर चैनल्स। आप ये तय कीजिए कि आपने कौन सा चैनल देखना है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में आप सोशल मीडिया पे जाइए। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा है। सेलेक्ट कीजिए कौन सा चैनल आपने देखना है, और एक चैनल जिसको मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा, और वो चैनल है यूनिक एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UES। इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, एक ऐसी जानकारी मिलती है जो आपको भ्रमित नहीं करेगी, उसके डाटा सही होंगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और हिंदुस्तान के RCM के जो टॉप लीडर्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। रेगुलर प्रोग्राम्स वहाँ पे आ रहे हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स वहाँ पे हो रही हैं। मैंने आरंभ में आपसे बातचीत की 6 बेसिक के बारे में, अगर आपने नेटवर्क बनाना है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, और आपका नेटवर्क बड़ा नहीं बन पाया है, आप कंफ्यूज हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ में, क्यों नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, आप अपनी अपलाइन को दोष दे रहे हैं, आप किसी दूसरी चीज़ को दोष दे रहे हैं, आप दोष देना बंद कीजिए। आप सिंपल एक काम कीजिए, आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, और ये वीडियो भी शायद आप वहीं से देख रहे हैं, वहाँ पर 6 बेसिक के बारे में हर बेसिक पे आपको एक 30 मिनट का वीडियो मिलेगा। आपको पहला बेसिक है प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट का प्रचार कीजिए और अपनी दुकान खोलिए, इसके ऊपर 30 मिनट का एक शानदार वीडियो मुकेश कोठारी सर का मिलने वाला है। और इसके बाद में सेकंड बेसिक, थर्ड बेसिक, 6 के 6 बेसिक्स पे वीडियो मिलेंगे। अगर आपने उन वीडियोस को सुना, वो आपके लिए एक वैल्यू देंगे, वो वीडियो वो आपकी समस्या का सॉल्यूशन है वहाँ पे आपके पास में, सो उन वीडियोस को देखिए। प्रोडक्ट स्पेसिफिक जानकारी आपको मिलेगी यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे, वो आप देखिए। सेमिनार्स मिलेंगे आपको, वो आप देखिए। जो RCM बिजनेस के कामयाब लोग हैं उनके वीडियोस मिलेंगे, उनका लाइफस्टाइल आपको दिखेगा कुछ वीडियोस में, वो आप देखिए। वो सारा का सारा खजाना आपके पास में है।
मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने सिर्फ एक चैनल देखना है तो वो चैनल यूनिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। आप और कोई दूसरे चैनल भी देख सकते हैं। इन दिनों डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो एक चैनल को बहुत फॉलो कर रहे हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स, जिसमें न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग के कामयाब लोग आते हैं अपितु बड़े बड़े ट्रेनर्स, चाहे वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हों, चाहे वो डॉक्टर उज्जवल पाटनी हों, चाहे वो संतोष नायर हों, इस प्रकार के बड़े बड़े ट्रेनर्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे के सारे लोग आपको दिखते हैं। एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर ये है कि जो व्यक्ति इस चैनल की प्रमोशन कर रहा है वही व्यक्ति उस चैनल का होस्ट व फाउंडर है। सो कृपया अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, बहकावे में मत जाइए, ध्यान से आपने सोच समझ के अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सो आपने तय करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सा चैनल देखना है, और उस चैनल को पहला पॉइंट हो गया कि आप सेलेक्ट कीजिए कि आपने कौन सा चैनल देखना है। सेकेंड पॉइंट इज सेट योर टाइमलाइन। आपने ये निर्धारित करना है कि कितने समय तक आपने यूट्यूब पे रहना है, डिसिप्लिन के साथ में। जिस प्रकार आप दूसरे काम डिसिप्लिन के साथ में करते हैं तो आपको फायदा होता है। जो लोग डिसिप्लिन के साथ में खाना खाते हैं, डिसिप्लिन के साथ में सोते हैं, डिसिप्लिन के साथ में उठते हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और जो डिसिप्लिन से खाना नहीं खाते हैं, जब मर्जी खाया, कोई शेड्यूल नहीं है, जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखने वाले हैं। तो जिस प्रकार खाना खाने सोने का शेड्यूल आपको हेल्दी बनाता है, उसी प्रकार से आपका एक शेड्यूल होना चाहिए सोशल मीडिया पे टाइम व्यतीत करने का, सीखने का, कि आपने किस समय सोशल मीडिया देखना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सोने से पहले सोशल मीडिया पर अच्छी जानकारियाँ भी मत लीजिए आप, क्योंकि जब भी आप कोई जानकारियाँ आप अपने दिमाग में लेते हैं वो आपके दिमाग में कुछ समय तक वो चलती रहती हैं और वो आपकी नींद को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं मॉर्निंग में सुबह योगा करने के बाद में सोशल मीडिया पे जो मेरा सीखने का टाइम है वो बेस्ट टाइम मेरा वो रहता है। अप्रोक्स 7:30 में स्टार्ट करता हूँ और लगभग एक घंटे तक मैं सोशल मीडिया पर टाइम देता हूँ, वो मेरा एक फिक्स टाइम है। तो आप भी, आपके लिए जो कंफर्टेबल टाइम है आप तय कीजिए, लेकिन निर्धारित कीजिए कि आपने कितना समय सोशल मीडिया पे देना है और किस समय से किस समय तक देना है, टाइम फ्रेम डिसाइड कीजिए। तीसरा पॉइंट है हैव ए डायरी एंड पेन विद यू। जब भी आप यूट्यूब पे जाएं या फेसबुक पे जाएं, ऑन करने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या आपने डायरी और पेन खोल लिया है, क्या आप लिखने के लिए, सीखने के लिए प्रिपेयर हैं, तैयार हो गए हैं। मैंने पिछले दिनों इस चीज़ को अपनाया और ये बहुत वंडरफुल टेक्निक है। मैं जब भी यूट्यूब पे जाता हूँ, अपने लैपटॉप पे जाता हूँ, उससे पहले मैं डायरी पेन ढूँढता हूँ। एक ही डायरी है जिसमें मैं सारे के सारे नोट्स बनाता हूँ, फिक्स है, ताकि मुझे ये नहीं देखना पड़े कि किस पेपर पे मैंने क्या चीज़ लिखी थी। सो वो मैं लिखता रहता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, देखा, दो मिनट देखा, कोई पॉइंट आया, मैंने पॉज किया, लिखा, फिर आगे बढ़ा, फिर लिखा, फिर आगे बढ़ा, फिर लिखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करती रहेगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपका इस्तेमाल हो गया है। फोर्थ पॉइंट है अप्लाई वट यू हैव लर्नड। जो आपने सीखा है उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको व्यवहार में लेके आइए। एक कोटेशन है जिसमें मेरा बहुत विश्वास है, नोइंग एंड नोट डूइंग इज इक्वल टू नोट नोइंग। जानना और न करना के मायने हैं कि नहीं जाना, यानी आपने जाना ही नहीं है। कोई चीज़ आपने सीखी और आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आपने सीखी ही नहीं है। सो जब तक आप चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके पास में परिणाम आने वाले नहीं हैं। अगर आपने 6 बेसिक का वीडियो देखा और आपने 2nd बेसिक
वहाँ से ग्रहण किया कि मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट कैसे बनानी है वो अगर आप नहीं देख पाए हैं, एस सत्री साहब ने बहुत अच्छे तरीके से स्टेप टू स्टेप बताया है कि कैसे ड्रीम की लिस्ट बनानी है, कैसे प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। सो वो आपने सुना, नोट भी किया, लेकिन वो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो फिर वो आधे घंटे की वीडियो का कोई मीनिंग नहीं है। आप लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट कैसे करना चाहिए वो अगर आपने जो सीखा है उसको अप्लाई नहीं किया, उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप किसी को ज्वाइन करवाने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने बेन फ्रैंकलिन टेक्निक को सुना है, लिखा है, लेकिन अप्लाई नहीं किया, उसके कोई मायने नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी चीज़ जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे वो आपकी नहीं है। जब आप उसको अप्लाई करेंगे, बार बार उसको अप्लाई करेंगे, फिर परमानेंट वो आपकी हो जाएगी, आपका एकाधिकार हो जाएगा उस पर, आपको लाभ देने वाली है वो चीज़। बहुत सालों तक मैं ये गलतियां करता रहा, मैं सुनता रहा, पढ़ता रहा, लेकिन मैंने चीज़ों को अप्लाई नहीं किया। जब से मेरी समझ में आया और जब से मैंने उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, मेरे परिणामों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये आपके बदलाव, आपके परिणामों में भी ये चीज़ बदलाव लेके आ सकती है, बस इस पर अमल करने की आवश्यकता है। सो आज के डिजिटल युग में आपका सुनना और देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने बहुत पहले हम लोगों को संदेश दिया था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आज हम जो हैं वो इस चीज़ का परिणाम है कि आज से पहले हमने क्या सुना और क्या देखा है। हम 2 साल बाद क्या होंगे और 10 साल बाद क्या होंगे, ये तय करेगा कि आज के बाद हम क्या सुनेंगे और क्या देखेंगे। बहुत बुद्धिमता के साथ में, बहुत डिसिप्लिन के साथ में आपने चुनना पड़ेगा कि आपने क्या देखना है और क्या सुनना है। इसी 4th पॉइंट का 2nd पार्ट है, प्रतिदिन बताई गई पुस्तकों को कम से कम 30 मिनट तक पढ़िए। बताई गई मीन्स रिकमेंडेड बुक्स, आपकी अपलाइन ने जो आपको रिकमेंड किया है वो किताबें पढ़नी है, पर्टिकुलर वही किताबें पढ़िए आप, क्योंकि आपके अपलाइन का एक्सपीरियंस है। देखिए बहुत सारी किताबें हैं, हजारों किताबें हैं, हर सब्जेक्ट पे आपको सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी, लेकिन हमारे लिए कौन सी उपयुक्त है, बेस्ट कौन सी है, वो आपकी अपलाइन आपको रिकमेंड करेगी। जब मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूं, मैं उनसे अक्सर एक प्रश्न पूछना नहीं भूलता, और वो प्रश्न होता है आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। और मैं इसलिए भी पूछता हूँ ज़्यादातर लोगों को लाभ मिले, मुझे नहीं मालूम कितने लोग उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बताते हैं मैं उस बुक को नोट करता हूँ, और तुरंत सबसे पहला काम मेरा ये होता है, या तो मैं उस बुक को ऑर्डर करके मंगा लेता हूँ, या वो अगर PDF में मुझे मिल जाती है, ऑनलाइन अगर मिल जाती है, मैं ऑनलाइन उसको ले लेता हूँ। चाहे वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बताई हुई किताब हो, चाहे वो डॉक्टर उजुल पाटनी की किताब हो, या संतोष नायर साहब ने जो एक लंबी सी लिस्ट बताई है वो वाली किताबें। मैं अगर आज किसी मुकाम पे हूँ, अगर आप मुझे कामयाब मानते हैं, अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर सीखिए कि मैं जो कुछ हूँ मैं किताबों की वजह से हूँ। क्योंकि जिस युग में मैंने बिजनेस को शुरू किया वो युग डिजिटल युग नहीं था, डिजिटल चीज़ें उतनी इस्तेमाल में नहीं आती थी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया मेरे पास में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, हमारे पास में एकमात्र जो साधन था वो थी किताबें। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और किताबों ने मुझे ऐसे सोक दिए, ऐसे झटके मारे जैसे बिजली के झटके लगते हैं। मेरी जो पुरानी सोच थी, मेरी जो पुरानी धारणाएं थी, वो डेल्यूट होती चली गई और एक नई सोच, एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया बिलीफ लेवल बनता चला गया। मैं अगर अपनी कामयाबी में किसी एक चीज़ को सबसे बड़ा अगर स्थान दूंगा तो मैं किताबों को दूंगा। और आज भी मेरा अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ है, मेरा कोई सबसे अच्छा फील्ड है, तो वो है मेरी किताबें, वो मेरी बुक्स। लेकिन मेरे साथ में भी ये रहा
शुरुआत में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैं ट्रेन में बड़ा लंबा लंबा सफ़र करता था अपनी टीम के पास में जाने के लिए, 20 घंटे 30 घंटे, और मैंने ऐसे कुछ ट्रेन्स भी ली हैं। मैं मुझे अच्छे से याद है, कलकत्ता से मैं हैदराबाद जाता था और वो एक छोटी लाइन वाली ट्रेन चलती थी। शायद वो कितना सफ़र होगा, शायद 40 घंटे से ज़्यादा का सफ़र होगा। उस सफ़र में मैं किताबें पढ़ता था, किताब लेके जाता था, और जितनी भी मेरे पास में किताबें हैं उस पर डेट लिखी हुई है कि वो किताब मैंने कब पढ़ी और कहाँ पे पढ़ी, कौन सी ट्रेन में पढ़ी। तो उन किताबों ने मुझे बनाया है, वो किताबें आपको भी बना सकती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि रिकमेंडेड, जो रिकमेंड की गई है वो पढ़िए। अगर आपके अपलाइन ने आपको अभी रिकमेंड नहीं की है तो वो आप उनसे पूछिए, मैं 2-3 किताबें आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपने RCM बिजनेस के बारे में एक बड़ा विज़न लेना है तो आप TC सर की कुछ किताबें पढ़िए, जीवन एक खोज बेहतरीन किताब है। चुनौतियों से मुकाबला, किस प्रकार आपकी लाइफ में चुनौतियां आएंगी और आप किस प्रकार उनसे मुकाबला करेंगे, आपको अंदर से मजबूत कर देगी वो किताब। बहुत सारी किताबें TC सर ने लिखी हैं। TC सर की खासियत ये है कि वो अच्छे राइटर हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे लिरिक्स लिखते हैं, अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। सो उनकी मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उनकी 2 किताबें कम से कम आप ज़रूर पढ़िए ताकि आप उनके थॉट प्रोसेस को आप समझ पाएंगे, उनके विज़न के साथ आप काम कर पाएंगे। अगर हम बात करें लोक व्यवहार की, क्योंकि ये बिज़नेस लोगों से जुड़ा हुआ बिज़नेस है, मैं 2 राइटर्स को बहुत पसंद करता हूँ। सबसे पहले जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया पर्टिकुलर इस फील्ड में, वो थे डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी लोक व्यवहार मेरी फेवरेट बुक है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में एक दूसरे राइटर से मेरा वास्ता पड़ा और वह हैं लेस गिबलिन। उनकी किताब लोक व्यवहार में कुशलता मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगी। सो ये मेरी फेवरेट किताबें हैं पर्टिकुलर इस फील्ड में। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की और जानकारी लेना चाहते हैं और बड़ा विज़न लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे जो फेवरेट राइटर हैं वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बिजनेस स्कूल किताब, उसके साथ में एक ऑडियो भी आता था, वो मैंने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, वो मेरी फेवरेट बुक है। और इन दिनों 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बहुत शानदार किताब है। एस सत्री साहब ने एक बहुत अच्छी किताब पिछले दिनों लिखी है, लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग। उस किताब को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और शुरुआत से लेके लास्ट तक मैंने उस किताब को पढ़ा। क्यों पढ़ पाया मैं? क्योंकि उसमें मुझे वो रियल नॉलेज मिली, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखने को मिला और पर्सनली मुझे बहुत कुछ उसको सीखने को मिला। सो वो किताब आपको हेल्प कर सकती है। एक और किताब जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप करना चाहते हैं, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज जी के द्वारा लिखी गई किताब है, वो मुझे अच्छी लगती है। डॉक्टर उज्जुल पाटनी की जुड़ो जोड़ो जीतो, ये बहुत पहले की किताब है लेकिन आज भी बहुत इफ़ेक्टिव है, ये आपके काम आ सकती है। और अगर आपने थोड़ा सा अपनी सोच को बदलना है, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है, तो उसमें 2-3 किताबें मेरी बड़ी फेमस हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फेमस हैं का मतलब ये है कि मैं उनको फेमस करने का जब भी मौका मिलता है तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ट्स द्वारा लिखी गई है। नेपोलियन हिल मुझे बहुत अच्छे राइटर लगते हैं और उनकी जो किताब है सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, मेरी फेवरेट किताबों में से एक है। उसके अलावा लीडरशिप में मैं जॉन सी मैक्सवेल को पढ़ना पसंद करता हूँ। जॉन सी मैक्सवेल की किताब अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, वो मेरी फेवरेट बुक है। और भी बहुत सारी किताबें हैं लेकिन ये किताबें ऐसी हैं जो आपको, अगर मैं पहली 3 किताब, अगर आप इनिशियल पढ़ना चाहें, पहली 3 किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए जीवन एक खोज, दूसरी किताब आप पढ़िए लोक व्यवहार, और तीसरी किताब आप पढ़िए लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये किताब आप ज़रूर पढ़िए इनिशियली, इनकी लैंग्वेज सरल है, आपको समझ में आएगी और इनिशियल लेवल पर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं तीनों पुस्तकें। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैं इसको रिपीट करता हूँ फोर्थ कोर्स स्टेप को दोबारा। ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए और
बताई गई किताबें 30 मिनट तक प्रतिदिन पढ़िए। रिकमेंडेड मैंने बता दिया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है प्रतिदिन और 30 मिनट डेली आपने पढ़ना है, डेली उसको डिसिप्लिन में लेके आइए। दो वर्ड हैं, एक वर्ड है सम टाइम और एक वर्ड है पार्ट टाइम। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कहा जाता है कि आप इस बिजनेस को सम टाइम मत कीजिए, आपके पास में अगर समय कम है तो आप इसको पार्ट टाइम कीजिए। सम टाइम का मतलब ये हुआ कि जब मूड हुआ तो कर लिया और जब मूड हुआ तो नहीं किया। और पार्ट टाइम का मतलब क्या हुआ? पार्ट टाइम का मतलब ये हुआ कि आपने एक डिसिप्लिन वे में इस बिजनेस को किया है, अनुशासन के साथ में आपने इस बिजनेस को किया है। अगर आप नौकरी में हैं, आपने ये तय किया कि मैं एक घंटा ही दे सकता हूं, वो एक घंटा अगर 7 से 8 का था तो आपने डेडिकेटेडली पूरी कमिटमेंट के साथ में एक घंटा वो बिजनेस को दिया है, तो वैसे ही आपने सम टाइम नहीं पढ़ना है, आपने पार्ट टाइम पढ़ना है। एक टाइम फिक्स कीजिए। मेरा जो टाइम है पढ़ने का वो मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठता हूँ, उठ के मैं फ्रेश होने से पहले पानी पीता हूँ और उसके बाद मैं किताब पढ़ता हूँ। रूटीन है, फिक्स है, टाइम फिक्स है। उसमें मेरी कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं होती कि मैंने 10 पेज पढ़ने हैं, वो मेरा टारगेट नहीं रहता उस समय। उस समय मेरा टारगेट ये रहता है कि ये 20 मिनट का टाइम या 25 मिनट का टाइम या 30 मिनट का टाइम जो मेरे पास में है वो मैंने इस किताब को पढ़ना है। और मज़ेदार बात यह है कि उस थोड़े थोड़े से टाइम में, वो फिक्स होने के बाद में, मैं 2 किताबें पढ़ चुका हूँ। ये लॉकडाउन के बाद में ही मैंने इस प्रकार से शेड्यूल को फॉलो किया है। अदरवाइज़ पहले मैं बहुत लंबे समय किताब पढ़ता था, बहुत लंबी लंबी किताब पढ़ता था। मुझे अच्छे से याद है जब मैं ट्रेन में था तो मैंने 24 घंटे में से मैंने शायद 16 घंटे 18 घंटे किताब पढ़ी है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ उन किताबों की वजह से, उन राइटरों की वजह से हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा तजर्बा एक पुस्तक में लिख दिया था। और मैं हमेशा उनके प्रति ग्रेटफुल रहता हूँ, थैंकफुल रहता हूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला है और मेरे जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने की वो किताबें अक्षमता रखती हैं। सो आपने 30 मिनट मिनिमम ड्यूरेशन है, और आप ज़्यादा सीखने के लिए तैयार हैं और ज़्यादा पढ़िए। और मेरा ये मानना है कि सीखने के जितने भी मॉड्यूल हैं उन मॉड्यूल्स में सबसे इफ़ेक्टिव मॉड्यूल मेरे लिए बुक रीडिंग है। आज भी सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी चीज़ से सीखता हूँ तो वो बुक से सीखता हूँ। बुक पढ़ने का मेरा जो तरीका वो है, वो ये है कि मैं जब बुक पढ़ता हूँ मेरे पास में हाइलाइटर होता है। हाइलाइटर एक ऐसा मार्कर आता है जिस पे आप अक्षरों के ऊपर में चलाएंगे तो वो अक्षर हाईलाइट हो जाते हैं। सो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसको मैं हाईलाइट करता चला जाता हूँ। साथ में मेरे पास में एक पेन होता है। मैं कोई चीज़, कोई आइडिया मेरे दिमाग में आया तो उस किताब में भी मैं लिख लेता हूँ। साथ में मेरी डायरी रहती है, नोट्स बनाने वाली डायरी, उसमें मैं कुछ चीज़ें लिखता रहता हूँ। कोई चीज़ जो मुझे कोई कहानी उसमें अच्छी लगी, कोई कोटेशन अच्छी लगी, तो उस किताब के शुरुआत में जो कुछ खाली पेज रहते हैं, लास्ट जो खाली पेज रहते हैं, मैं उन पर उनको लिखना पसंद करता हूँ। सो मेरी अगर आप किसी भी किताब को देखेंगे तो मैं बिल्कुल, मैं यूँ कहूँ कि मैं बड़े अजीब से तरीके से पढ़ता हूँ। कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कोई चित्र बना दिया है, तो इस प्रकार की किताब इस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। इसलिए मैं किसी को अपनी किताब देना पसंद नहीं करता। इस मामले में मैं बहुत रूढ़ हूँ, कुछ भी आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन किताब मेरे लिए, मेरी किताब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम मैं जरूर करता हूँ, जो किताब मुझे अच्छी लगती है वो मैं कई सारी किताबें खरीद लेता हूँ, ताकि अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँ, अगर कोई व्यक्ति मुझे कहे कि ये किताब मुझे चाहिए तो वो नए वाली किताब मैं उसको दे दूँ। तो आज भी मेरे पास में, मेरी लाइब्रेरी में जो किताब मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो कई सारी किताबें एक्स्ट्रा मेरे पास में उपलब्ध हैं। सो आप भी इसी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो आपकी अपनी ही होनी चाहिए। आप अपने आइडियाज़, अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स, अपने पुराने एक्सपीरियंस, अपनी गलतियाँ, अपनी अच्छाइयाँ, सब कुछ उसमें लिख सकते हैं। और जब भी आप किताब पढ़ें ना, राइटर आपको कुछ बोलता है, वो बोलता है कि आप अपनी 3 कमियाँ लिखिए, तो आप आगे मत बढ़िए, 3 कमियाँ लिखिए। राइटर आपको बोलता है कि 3 चीज़ें जो आप अगले 1 साल में पूरा करना चाहेंगे वो आपने लिखनी है, तो वो लिखिए। सो उस प्रकार से आप और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं किताबों से। सो किताब आप पढ़िए। और ये सारी चीज़ें क्यों करनी है आपने? ऑडियो वीडियो क्यों सुनने हैं? किताबें क्यों पढ़नी है? वो इसलिए पढ़नी है क्योंकि आने वाले टाइम में इस बिजनेस में आपके शहर के सबसे प्रभावशाली लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे।
वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो लॉयर्स हो सकते हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, वो बड़े सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, वो आपके साथ में क्यों ज्वाइन करेंगे? वो इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री तेज़ी के साथ में ग्रो करेगी, ये इंडस्ट्री उनको खींच के लाएगी। और वो आपके साथ यानी आरसीएम के साथ में ही क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि आरसीएम की जो पावर है, आरसीएम की जो कुछ चीज़ें हैं जो आरसीएम बिजनेस को द बेस्ट बनाती हैं, वो उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, चाहे वो आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट का में क्वालिटी और रेट का कम्बिनेशन है, चाहे वो आरसीएम की विजनरी मैनेजमेंट है, चाहे वो आरसीएम बिजनेस का एक्सपीरियंस है, चाहे वो आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान है, चाहे वो आरसीएम बिजनेस की लीडरशिप है, चाहे वो आरसीएम का एजुकेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें लोगों को बाध्य करेंगी कि वो आरसीएम बिजनेस के साथ में जुड़ें। और वो जुड़े तो नियम ये है कि उन्हें किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में पहले से जुड़ना होगा। सो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि आप उनके शहर में आरसीएम करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको जानते हैं, तो वो लोग आपके साथ में आए होंगे। लेकिन वो आपके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे वो आपने तय करना है। और आप कैसे तय करेंगे? एक कोटेशन है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, और ये कोटेशन सतीश पंडित जी के एक ऑडियो में मैंने सुनी है, और वो ऑडियो है शायद शुरुआती सात दिन। शुरुआती सात दिन में पंडित जी ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, ध्यान से सुनिएगा, हमारी ज़िंदगी में और हमारे बिजनेस में अच्छे लोग जब आएंगे तभी हमारी ज़िंदगी और हमारा बिजनेस ऊपर उठेगा। और फिर वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी और हमारे बिजनेस में अच्छे लोग आते तो हैं लेकिन हमारी बुरी आदतों की वजह से वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में हमारे बिजनेस में आते हैं लेकिन हमारी आदतें अच्छी नहीं हैं, हम डिसिप्लिन नहीं हैं, तो उनको ऐसे माहौल में काम करने में घुटन महसूस होती है और वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। सो आपको अपनी अच्छी आदतें बनानी पड़ेगी, अपने बातचीत करने में वो मिठास लाना पड़ेगा, वो पैनापन लाना पड़ेगा, वो अट्रैक्शन लाना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे बातचीत करना चाहे, आपके संपर्क में रहना चाहे। और वो तभी हो पाएगा जब आप अच्छी चीज़ें सुनेंगे, देखेंगे और अच्छी किताबें पढ़ेंगे। आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक और कोटेशन है, अगर आप कुआं खोदना चाहते हैं तो तब खोदिए जब आपको प्यास नहीं लगी है। जब प्यासे होंगे तब आप कुआं खोद नहीं पाएंगे। जब अच्छे लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे उस समय आप अच्छा बनना चाहेंगे तो एकाएक आप नहीं बन पाएंगे। आज आपको बनना पड़ेगा, आज आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको ये सोच के प्लान करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो PhD होल्डर है वो आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन करेगा, एक व्यक्ति जो आपके शहर का सबसे अच्छा वकील है वो आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन करेगा, एक व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रभावित हैं, आप उसको बहुत मानते हैं, लेकिन वो आपके बिजनेस में ज्वाइन करेगा और वो आपसे सीखना चाहेगा कि इस बिजनेस में डायमंड कैसे जाया जाता है। उसकी प्रिपरेशन आज आपको करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस बुद्धिमता के साथ में वाइजली ये चुनना है कि क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या पढ़ना है। सो इसलिए ये जो फोर्थ पॉइंट है, कोर का फोर्थ पॉइंट, ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए और अनुमोदित किताबें प्रतिदिन 30 मिनट तक अवश्य पढ़िए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो इसके बाद में चार पॉइंट्स और आने वाले हैं, चार बेहतरीन लीडर्स और आपके सामने आएंगे जो कोर के आठ पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करेंगे। सो मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं कि अभी अगर आप सीधे इस वीडियो तक आ गए हैं किसी वजह से, तो सबसे पहले बैक टू बेसिक्स, आप बेसिक्स पे जाइए, बेसिक्स के 6 वीडियो आपको मिलेंगे 30-30 मिनट के, वो देखिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और उसके बाद आप 8 कोर की शुरुआत कीजिए। 3 कोर स्टेप पहले आ चुके हैं, चौथे कोर स्टेप के में मैंने आपसे बातचीत की और मुझे उम्मीद है कि आप अगर खुद कोर बन गए, अगर आप खुद बन गए तो ऑटोमेटिक आपकी टीम में कोर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये गलती मत कीजिए कि आप तो कोर हैं नहीं और टीम को कोर में लेके आने का प्रयास करेंगे तो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये बिजनेस, सबसे अच्छी खूब इस बिजनेस की ये है कि इस बिजनेस में पहले आप करते हैं फिर आप टीम को बताते हैं, और आप अपनी बातों से मोटिवेट नहीं करते हैं अपितु आप अपने एक्शन से मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। सो इसीलिए बी कोर, टीच कोर एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.